नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर संबीम स्कूल महाराजगंज की छात्रा रही प्रीति गौतम ने IIT JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1990 पाकर जनपद व संबीम स्कूल को गौरवान्वित किया है। प्रीति गौतम शुरू से ही पढ़ने में होशियार रही तथा हाई स्कूल की परीक्षा संबीम स्कूल महाराजगंज से सत्र 2017-18 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद इंटर की परीक्षा भी सत्र 2019-2020 में 93% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर विद्यालय व जनपद का नाम रोशन किया। इंजीनियरिंग का सपना संजोए प्रीति गौतम अपने माता पिता व गुरुजनों के आशीर्वाद से इस मुकाम को हासिल किया है। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन KP सिंह व डायरेक्टर नवीन सिंह, प्रवीण सिंह, उप निदेशिका शोभा सिंह व विद्यालय के उप प्रधानाचार्य तहसीन आबिदी कोऑर्डिनेटर प्रज्ञान ने प्रीति गौतम को इस उपलब्धि के लिए शुभकामना व उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। डायरेक्टर नवीन सिंह ने कहा है कि ये विद्यालय के अध्यापकों की मेहनत एवं लगन का नतीजा है कि संबीम स्कूल दिन प्रतिदिन जनपद के लिए एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के भदौरा रेलवे संपार के पास रेलवे ट्रैक के बीच शनिवार को दोपहर 12:06 पर ओवरलोड बालू लदा ट्रक फंस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और रेलवे फाटक के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। करीब आधे घंटे बाद विलंब से पहुंचे RPF पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक क्लियर कराया। जानकारी के मुताबिक बिहार से बालू लदे ओवरलोड ट्रक देवल के रास्ते जिला मुख्यालय जा रहे थे। ट्रक अभी भदौरा रेलवे क्रॉसिंग के डाउन लाइन पर पहुंचा कि क्लच प्लेट खराब हो जाने के कारण ट्रैक के बीचों बीच फंस गया। इस बीच अप लाइन पर आ रही टावर वैगन को होम सिग्नल पर ही रोक लिया गया। ट्रक चालक ने JCB की मदद से कड़ी मशक्कत कर करीब आधे घंटे बाद ट्रक को ट्रैक से हटाया। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में करीमुद्दीनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम उप निरीक्षक रविंद्रनाथ राय अपने पुलिस टीम के साथ कामोपुर मोड़ के पास गांधीनगर तिराहा पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान अजय कुमार यादव निवासी ग्राम कला कंधरा उजरा थाना बरेसर को 2 किलो 500 ग्राम के अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर पहले से ही करीमुद्दीनपुर थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल नीरज यादव, कांस्टेबल असगर अली, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार यादव, कांस्टेबल कमलेश कुमार और कांस्टेबल नीरज यादव शामिल रहे। एक तरफ जहां देश प्रदेश में सरकारी गैर सरकारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करते हुए आधुनिकीकरण किया जा रहा है, वहीं सतरामगंज डाकघर आज भी पुराने युग में ही चल रहा है। यहां 10 दिनों से नेटवर्क न होने से स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर के लिए लोग परेशान हैं। जानकारी के अनुसार सतरामगंज उप डाकघर में विभाग द्वारा BSNL की ब्रॉडबैंड लगाई गई है, जिसके साथ आपातकालीन सेवा के लिए एयरटेल सिम भी दिया गया है। लेकिन बीते 10 दिनों से ब्रॉडबैंड सेवा खराब होने से लोगों को डाकघर से संचालित रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर आदि सेवा पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। इस बाबत उप डाकपाल शिव कुमार अकेला ने बताया कि ब्रॉडबैंड सेवा पिछले 10 दिनों से खराब है। विभाग द्वारा एयरटेल का सिम मिला है, लेकिन 3G सिस्टम होने से समस्या जस की तस बनी हुई है। विभाग का प्रिंटर भी खराब पड़ा हुआ है। अधिकारियों को समस्या के बाबत अवगत करा दिया गया है। गाजीपुर के कई इलाकों से बीते कई दिनों से बिजली चोरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में गाजीपुर के नवाबगंज, मीर मोहल्ला, उर्दू बाजार, पंडित टोला और पोस्ताघाट आदि क्षेत्रों में शनिवार को अचानक सुबह सुबह मॉर्निंग रेड मारा गया, जिसमें कई लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए। शहर SDO शिवम राय, अवर अभियंता रोहित कुमार, अवर अभियंता अविनाश कुमार एवं संबंधित क्षेत्रीय लाइनमैन ने मिलकर छापा मारा। इस छापे के दौरान 42 जगहों पर उन्होंने पाया कि लोग अपने विद्युत मीटर में जा रहे केबल के अलावा भी बाहर से केबल जोड़कर बिजली का उपभोग कर रहे थे। विद्युत थाना रोजा में इन सभी के ऊपर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी से जुड़ी प्रक्रिया की जा रही है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।